Awesome guys, welcome to the new vlog. और अभी हमने 10 थोड़ी देर पहले निकुल पे किया बहुत जबरदस्त वाला प्रैंक, जोलो चिप गला दी इसको हम लोगों ने. ये अंकिता का आइडिया था वैसे, झूठे सबको पता है. सारे भैया तो ना आइडिया तेरे पास आता, मेरे पास निकुल मेरे को क्या बोलती पता है, बोले घर में दो दो पड़ी है, एक्सपायर हो जाएगी, पड़ी पड़ी वेस्ट हो जाएगी, खिला देते. तूने तो बोला अभी हम लोग एक दो काम से जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे शायद से. निकुंज ने तो मना कर दिया कि इन लोगों के साथ आजकल मैं जिंदगी में कभी कुछ ना खाऊं, और हम लोग किसी ब्लॉग में बोलते हैं नहीं, पर यार आप लोग सब्सक्राइब कर. हम लोग डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाने का, और अंकिता ने पहले कुछ बोला नहीं. हम लोग काफी किलोमीटर जा चुके हैं, बहुत आगे चले गए थे. तो उसके बाद अंकिता ने बहुत दूर पहुंचने के बाद बोला कि नहीं अपने वहां पे चलते हैं जहां से अपने आए. तो हम लोग आए हैं मुई, जो भी नाम है इसका, तो डेजर्ट स्टूडियो में वापस से अपने पहले यहां पे आ चुके हैं, पर निकुंज को इस बार टेस्ट करवाने का चीज केक लेने का. ये वाला मैंगो कस्टर्ड का मेरे को नया आया है तो वो ट्राई करेंगे. और हाँ एक और चीज बताओ, यहाँ पे सारा डेजर्ट वगैरह मिलता है, मैक्सिमम आपको मिलेगा वो मिलेगा कॉफी. तो अगर आप मेरी तरह ये सोच के आओ कि यहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, मजा आएगी, तो ऐसा नहीं है. पर डेजर्ट जिसको पसंद है उनके लिए जन्नत वाली जगह सुपर है. ये पता है घूर क्यों रही है, कब से नहीं बोल रही, मेरा फोटो खींच ली और मैं जानबूझ के वीडियो लंबा ले रहा हूँ ताकि मुझे ना लेना पड़े. अभी एक सेल्फी लेगी. तो ये हमारी चीज केक, ये और ये क्या कर रही है, फिर कर क्या रही है तू. खाना आ गया, ठूस ले. अरे भगवान, ये दोनों को देखो यार, दोनों ही फोटो लेने में लगे हुए हैं. खाएगा कैसे इंसान, ऐसा लग रहा है मैंगो रस है. मैं 300 रुपए में बहुत सारी आम खा जाऊं इससे. तो एंजॉय करना खाने को, ये क्या किए जा रही कब से. तो मेरे को ना बाहर निकलना पड़ा था बीच में खाते हुए, क्योंकि एक भैया को हमारी गाड़ी डिस्टर्ब कर रही थी, हटानी थी. और अभी हम डरमेट जा रहे हैं, एक बुक ऑफिस करनी है. तो अभी निकुंज गया. ओ भाई, ये मेरी चेयर इतनी नीचे किसने कर दी, पक्का अंकिता का काम है. तो अभी निकुंज तो अपने घर गया, उसको कुछ काम था. मैं आया हूँ घर पे मिनी व्लॉग के डबिंग करने के लिए आया हूँ, फिर वो करूंगा, फिर हम लोग वापस से बाहर निकलेंगे. एक तो पता नहीं इसने मेरी सीट की हाइट चेंज कर दी थी, और उसके बाद अभी बैठी है, बोल रहा हूँ मेरे को डबिंग करना, ये पता नहीं रील पे रील मारे जा रही है, आवाज आई जा रही है, म्यूट भी नहीं कर रही है. और अभी देखो इतना घुसी हुई है ना, इसको पता है मैं व्लॉग कर रहा हूँ, फिर भी इसको है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या दिख रही, दिखा नहीं दिखा दे, क्या दिख रही है, क्यों दिखाओ. मैं देखा, मैं मेरी रील एडिट कर रही हूँ. झूठी है एक नंबर की, सच में दिखा ना, क्यों छुपा, क्यों दिखाओ. अभी देखा झूठ पकड़ा गया इसका. 20 minutes later. नहीं, नहीं, हाँ बस. डर ही नहीं है. घर से निकले और एज यूजुअल मुंह उठा के हम जा रहे हैं मॉल. क्योंकि काफी लोग हम लोगों को बोलते हैं आप लोग बार बार मॉल क्यों जाते हो यार, मजा आती है. देखो पूरा दिन काम करते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, रिफ्रेशमेंट के लिए और कहाँ जाए. अहमदाबाद में एक ही जगह पे सब मिल जाता है, और कुछ ना कुछ पता नहीं बाई नेचुरल ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हमको कुछ काम होता है, कोई लेना होता है, किसी को मिलना होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो हम वही बोलते हैं वहाँ पे आ जाना, आप लोग भी वहाँ पे आ जाना, मिल लेंगे. ये देखो भाई जितनी सारी गाड़ियाँ पड़ी है अपनी अलग से चमक रही है. भैया बीच में आ गए, भैया हटो, हीरो जैसे लग रहे हैं. कुछ नहीं कुछ नहीं, मजाक कर रहे थे. इमोस इयररिंग दिखा दो तेरे लिए जल्दी. अरे वो रही देखिए, मैं जूम करके दिखा दूँ. वो लाइट वाली इयरिंग है. तो गुजराती प्लेट ढोकला इज हियर, और ये आ गया है वन ऑफ माय फेवरेट राजमा चावल्स. इसने तो ऑलरेडी खा लिया, कैसा है, अच्छा खिला, एक मिनट खिला रही हूं, खिलाना यार, खिला खिलाने मस्त. अब एक बात बताऊं गाइस, इनके पास राजमा था नहीं, मना कर दिया था हमको, पर हम लोगों को इच्छा थी, इनको पता है हमको राजमा पसंद है, तो स्पेशली बनाया अभी फ्रेश. ये देखो, ओए ओए, मैं किसी को मिलने गया, 2 सेकंड का बोला रुकने के लिए, तू अकेले निकल गई क्या. हाँ चल, अब से मैं भी यही करूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा तेरे को. सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करने के लिए खड़ा रहा, ये निकल रही अपने आप ही, क्या कर रही है. ये तीनों को लेने का सोच रहा हूँ मैं, पता नहीं तीनों की शक्ल अलग अलग है, पर डिस्काउंट में है काफ़ी, तो सोच रहा हूँ ये पॉडकास्ट के आगे भी कहीं पे सेटअप में डेकोर में काम लग जाएगा. अंकिता ये अच्छा लगा, इसकी तो साले को मुंडी पकड़ के ले जाऊंगा मैं, चल चल जाएगा, चल फिक्स है. मैं साले इसको हमेशा मैं मना करता हूँ, यहाँ पे मत आया कर, मत आया कर, क्योंकि आती है देखती है, शॉपिंग मेरी हो जाती है, तो मैं क्या करूं, मैं तो और लंबा खर्चा हो जाता है बिना बात के, अकेला आया कर. ओके मैं अकेला आऊंगी. देखा जा अकेला आना चाहती है. हाँ। मेरे बिना आने की बात कर रही है, तुमको रास ही नहीं आएगी मेरे बिना शॉपिंग, क्यों नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा, आराम से. चल चैलेंज लेते हैं, आना अकेले.
ये देखो सामान को मस्त प्यार से रखते हुए ताकि टूट वूट ना आ जाए। इतना ध्यान मेरा रखती हो तो सच बता दे। नहीं रखती। फाइन, अब तो सच में नहीं रखूंगी, रात को मंगा ना बाहर कहीं। यार इतना गुस्सा लाते कहाँ से हो, मतलब बोल के तुम भरते हो। हाँ। चलो हम लोग घर जा रहे, घर हमको आज एक अनबॉक्सिंग करने का है यूट्यूब के बॉक्स का, वो फुल याद कर ले रहे। अभी देखो मैं, मम्मी, अंकिता, निकुंज हम लोग मिलके है ना बस राउंड टेबल नहीं स्क्वायर टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राउंड टेबल हमारे पास है नहीं, पहले था टूट गया। कितनी क्यूट लग रही। फाइनली इस बॉक्स का हम अनबॉक्सिंग करेंगे। बेचारा दो या तीन दिन से पड़ा है। दो दिन से पड़ा हुआ है। दो या तीन, तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, फाइनली तीसरे दिन खुलेगा। तो निकुंज करेगा शूट, हम फटाफट रॉ तरीके से अनबॉक्सिंग मारते हैं इसका। आधा आधा अपना दोनों का। अरे यार आधा आधा क्यों होता है, इससे अच्छा तू ही खोल ले। नहीं आधा आधा, रुक जाए, पूरा हुआ मेरा। पर ऐसा नहीं करना होता है, छोड़ अब देख देख इधर। मेरा रुक जाए। अरे पर वैसे करना ही नहीं। और करना है ऐसा, सिर्फ ऐसा करना होता है। वो तेरा पार्ट का तूने किया, मैंने मेरा पार्ट कर लिया। ओहो, बाप रे। तो गाइस लगता है थोड़ा सा डैमेज आया है। गिफ्ट तो गिफ्ट है, तो हम निकालते इसको बाहर। ओ भाई बहुत पसंद है इसमें। बॉक्स हटा दे जल्दी। और इसको मैं उठा के लाई थी नीचे से गाइस। हां YouTube की तरफ से ये फाइनली हमको पता चल गया YouTube का ही गिफ्ट है ये। थैंक यू लिखा हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में। ओके, ओ नाइस, दिस इज ओके। ये थैंक यू का कार्ड है और हमारा इस साइड से थोड़ा सा टूट गया है, पता नहीं क्या है। और अरे जल्दी रोक, तूने नोटिस, अरे नोटिस कर। अरे हीरे नमिल लिखा हुआ है। वही खुद तक ऐसे ये निकल लेगा। इसमें डबल टेप लगी हुई है जो बहुत गंदी तरह से लगाई हुई है। ओके ऐसे ही रख, इसको ऐसे हो गया, हो गया, हो गया, निकल गया। तो सबसे पहले हमको ये मिला है जिसपे हीरे नमिल लिखा हुआ है, YouTube/हीरे नमिल। ए वाओ, इसका अपना थंबनेल है। अंदर कुछ होना चाहिए। यस, इसमें वो प्लेयर सब तू ही कर ले, मेरे को टच नहीं करने दे रही है। मैं जा रहा हूँ भाई, तू टच भी नहीं करने दे रही मेरे को कोई चीज। अच्छा, ये आर्टिस्ट के बारे में जिसकी अपने को ये मिली है। ओ नहीं, मैं बॉब मार्ले का मिला है, लेजेंड द बेस्ट ऑफ बॉब मार्ले का पूरा मिला हुआ है यो। और इसके अंदर वो होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो प्लेयर बड़ा वाला। देखना नहीं, पता नहीं क्या होगा, डायरी है या कुछ बुकलेट है, मैगजीन, ऐसा क्या कुछ होगा। क्या है इसके अंदर? वो प्लेयर है ब्लैक कलर का। ओए डिस्क है ये तो, ओरिजिनल। ओ भाई ये आज के जमाने में टूटना बहुत मुश्किल है। ग्रामोफोन के नीचे इसमें प्ले कहां से करने का ऊपर अपने पास पड़ा है ना। हां है अपने पास है। चल इसके नीचे देखते हैं गाइस बड़े बॉक्स। अरे इन्होंने दिया हुआ है, ओ ए वाओ, फोन है तेरा नाम है हिरन। अरे पहले ये इसको वापस अंदर रख प्लीज। ये ग्रामो फोन दिया हुआ है भाई, गजब। अरे देख मार्ले का दिया हुआ है, देख इसके नीचे भी कुछ है इसके। अरे सारा दिया हुआ है, इसमें काफी सारी चीजें दी हुई है। इसका कवर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक है तो ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। सब लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे पर इसमें वो लगाना पड़ेगा, स्पीकर वगैरह सब लगना पड़ेगा। नहीं ऐसे बजेगा। तो गाइस हम लोगों ने कट कर दिया था, इतनी ज्यादा मेहनत पड़ी ये सारे। देखो मैनुअल खोल खोल के पता नहीं कौन सा पार्ट कहाँ से, एक एक वो ट्यूब थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक पट्टी थी वो अंदर ही थी। हम ढूंढे जा रहे हैं, हम लोग पार्ट ही नहीं आया। वैसे इसका डायरेक्टली नहीं बचता, इसको कोई ना कोई ऑडियो आउटपुट चाहिए, ब्लूटूथ स्पीकर या कुछ भी। प्ले कर रही हूँ अंकिता। हमने ये ब्लूटूथ का वायर भी देखो कैसे लगा, यहाँ से चार्जिंग में लग रहा है, इसका वायर उसमें लग रहा है। बाद में कॉपीराइट आ जाएगा, पता चला गिफ्ट जो आई है उसी में कॉपीराइट भी आ रहा है, साथ साथ में फ्री में। तो ऐसे बहुत मारले के सॉन्ग है और बहुत ही सही क्वालिटी है। सबसे अच्छी चीज इसमें मारले स्टूडियोज का भी बैजिंग दिया हुआ है, प्लस अपने यूट्यूब के चैनल का भी बैजिंग दिया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है हमारे लिए, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट जो YouTube से, बहुत ही अमेजिंग है सीरियसली गाइस। ओके तो फाइनली पैक वैक कर दिया जैसा था वैसा। था कि हम लोग वापस कर पाएंगे, बट फाइनली हो गया। और हमने सोचा कि जब तक इसके लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती तब तक इसको बॉक्स में सेफ है, फालतू में। और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। और यस अंकिता का भी नाम देखा, अंकिता ने अंकिता तो खुश हम खुश हो गई। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू यूट्यूब टीम, थैंक यू फॉर लाइक हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए, हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए। अभी हमको भूख लगी है तो खिचड़ी खा रहे, क्योंकि घर पे बनी थी, मजेदार है खिचड़ी जैसा ना, लास्ट में कुछ भी नहीं होता है। सबसे फेवरेट मेरा फेवरेट है। आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है ये कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।